और अरेंजमेंट की तो पूरी बैलेंस शीट होगी लेकिन अगर तीन पार्टनर हैं तो उसमें से आपका वन थर्ड हिस्सा है तो अगर शेयर आपकी लेट से बारह हज़ार की हुई है तो चार हज़ार आप इनकॉर्पोरेट करेंगे पूरे का पूरा नहीं तो अपना शेयर जो है प्रोपोर्शनेट ऐड करते चले जाएंगे क्योंकि इक्विटी मैथड जो है ना इज़ द सेम एज वी डन इन जन एसोसिएट केस में क्या है कि आप कॉस्ट इन्वेस्टमेंट में रिकॉयर करेंगे उसमें पोस्ट एक्शन प्रॉफिट ऐड करेंगे और अगर उसमें से कुछ आपने निकाल लिया तो वो माइनस कर देंगे तो जो बैलेंस बचेगा एक आइटम एक फिगर जो है आपकी बैलेंस शीट में कंसल्टेटिव बैलेंस शीट में आ जाएगी ज्वाइंट वेंचर लाइक मैरिज स्टैंड बेटर चांस बेनिफिट बोथ साइड इसका मतलब ये है सिंपली कि जितने भी पार्टनर्स हैं जितने भी वेंचरर्स हैं जितने भी अरेंजमेंट के हिस्सेदार हैं इक्वली से एक सबको प्रोपोर्शनेटली हेल्प करे सबका फायदा हो तब तो चलता है वरना नहीं चलता ये

उसको आप अपनी बुक्स में लेकर आए अब इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं वो आगे चल कर डिस्कस करेंगे कि क्या जब नई एंट्री बनती है तो उसको कैसे एक नाम देते हैं और कैसे उसकी इनकोऑपरेशन करते हैं जॉइंट वेंचर इज़ अ कंट्रैक्चुअल अरेंजमेंट वेयर बाई सब्जेक्ट टू जॉइंट कंट्रोल बेसिकली ये इस पर क्वेश्चन हैं कि हाउ द जॉइंट वेंचरर्स टेक केयर ऑफ द बिजनेस वैन दे आर टुगेदर हैविंग अ जॉइंट वेंचर थैंक यू वेरी मच